राजस्थान में नए सीएम की घोषणा हो चुकी है, भजन लाल शर्मा, जो कि ब्राह्मण वर्ग से सामने आते हैं। बीजेपी ने भजन लाल शर्मा पर दाव चला है, लेकिन भजन लाल शर्मा तो मुख्यमंत्री उनको चुन लिया गया है, लेकिन ऐसे में अब शपथ ग्रहण समारोह में तमाम तरह के जो अन्य मंत्री हैं वो भी शपथ लेंगे, और इस बीच किस किस मंत्री की लॉटरी लगी है ये बड़ा सवाल है। तो कौन कौन से वो मंत्री हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ किन नामों पर चर्चा की जा रही है। तो मंत्रियों की बात अगर की जाए तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम चर्चा में चल रहा है, और वरिष्ठों की अगर बात की जाए तो अनीता भदेल, जो सीएम की रेस में कहीं ना कहीं राजस्थान में आगे थी, सीएम की रेस में अनीता भदेल बताई जा रही थी, और मंजू बागमार, सिद्धि कुमारी, मदन दिलावर और जोगाराम पटेल, तो ये तमाम वो मंत्री हैं जो अब कहा जा रहा है कि इनकी लॉटरी लगने वाली है और कैबिनेट में इनको जगह मिलने वाली है। योगेश्वर गर्ग, संदीप शर्मा, जितेंद्र गोठीवाल और जैसे नाम अब चर्चा में बने हुए हैं, और इसी तरह से नए चेहरों की अगर बात की जाए, संजय शर्मा, शत्रुघ्न गौतम, नोक्सतम चौधरी, बाबा बालकनाथ भी सीएम की रेस में कहीं ना कहीं आगे थे, और दिया कुमारी, जिनको वो भी सीएम की रेस में आगे थी, लेकिन उनको अब उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, डिप्टी सीएम, जो बीजेपी की ओर से जो तीन राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, और तीनों राज्यों में बीजेपी की ओर से दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, और राजस्थान में भी दिया कुमारी और प्रेमचंद को डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाया है। तो वहीं शैलेश सिंह और डिप्टी किरण महेश्वरी, कुलदीप धनखड़ जैसे नाम भी मंत्री बनने की दौड़ में बताए जा रहे हैं। तो ये वो तमाम नाम हैं जो अब मंत्री बनाए जा सकते हैं, इस बात को लेकर चर्चा लगातार हो रही है, और राजस्थान में अब ये वो तमाम नाम हैं जो सीएम का तो घोषणा हो चुकी है, भजन लाल शर्मा अब सीएम होने वाले हैं, और ये जो नाम मैंने अभी आपको बताए वो कहीं ना कहीं मंत्रियों की रेस में बताए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये वो तमाम मंत्री हैं जिनकी लॉटरी लगने वाली है।